સવાર સવારમાં ગરમ ગરમ પરસા, શું વાત છે! ડોન્ટ માઇન્ડ માય ગુજરાતી, આઈ એમ સ્ટીલ લર્નિંગ આફ્ટર એક્સપ્લોરિંગ મૂલી ઓન ડે વન. જિસકા વિડીયો આપ યુટ્યુબ પર દેખ સકતે હૈ. મેં આજ આ ગઈ હું સુરેન્દ્રનગરમાં ટુ એન્જોય સમ ડિલિશિયસ ફૂડ એન્ડ પ્લેસીસ ઇન સુરેન્દ્રનગર. गुजरात के नामचीन शहरों के बारे में सोचो तो वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत के बारे में तो हर कोई सोचता है. बट हैव यू बीन टू द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात? वेल, वेलकम टू सुरेंद्रनगर. सुरेंद्रनगर एक टाइम पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स का बेस था, जिसे उन्होंने वडवा रूलर्स को 1946 में वापस दे दिया. And then it was named after the then ruler Surendra Singh ji in 1947. तो दिन की मैं शुरुआत पहले कर रही हूँ विद राजेश समोसा, जो शुरू हुआ था इन द ईयर 1967 और बहुत ही गरम गरम बढ़िया से फरसान मिलते हैं यहाँ पर. Come on, let's go and check it out. ढोकला, खमन, गाटिया सब मिलता है, बट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ समोसा दैट यू गेट एट राजेश समोसा. हमेशा यहाँ भीड़ रहती है और पांच अलग अलग तरह के समोसा हैं. दिस वन इज अ रेगुलर आलू समोसा, ये है चाइनीज समोसा, ये है पंजाबी समोसा, ये है जैन समोसा और ये है चीज समोसा. तो इन सबका प्राइस है 20 rupees एक्सेप्ट फॉर दिस वन व्हिच इज फॉर 40 rupees. आई एम अ बिग टाइम समोसा गर्ल. वैसे तो मैंने आलू और पंजाबी समोसा हर जगह खाया है, बट दिस प्लेस इन सुरेंद्रनगर ऑल्सो हैज चीज एंड चाइनीज समोसा एंड बोथ ऑफ देम टेस्ट रियली गुड. देयर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू गेट हियर एंड दैट इज सेव खमन. लेट्स ट्राई दैट. पेट पूजा के बाद चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ की कुछ मशहूर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं. हेडिंग टू अ वेरी पॉपुलर रिलीजियस साइट ऑफ द सिटी, रनक देवी टेम्पल. रनक देवी मंदिर किसी गॉडेस को नहीं बल्कि सौराष्ट्र की 12th सेंचुरी की एक क्वीन को डेडिकेटेड है. ये मंदिर रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और यहाँ की रनक देवी के स्टैच्यू को वाधवान के लोग बहुत मन से पूजते हैं. नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज त्रिनेतेश्वर टेम्पल इन द तरनेतर विलेज ऑफ सुरेंद्रनगर, जो रनक देवी से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है, बट इट्स टोटली वर्थ इट. तो अब मैं आ गई हूँ इन दिस विलेज कॉल तरनेतर, यहाँ का सबसे पुराना मंदिर देखने, जिसका नाम है त्रिनेतेश्वर टेम्पल. ये 10,000 सालों से भी ज्यादा पुराना है. खासियत ये है दैट इट इज सराउंडेड बाई 3 कुंड, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव कुंड. यहाँ हर साल 3 दिन के लिए तरनेतर मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं. Well, interestingly, यही वो जगह है जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जहाँ अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर मारा था. और जब भी आप यहाँ आओ, नेवर मिस द महादेव आरती, इट्स जस्ट मैजिकल. गुजरात की खास बात ये है कि यहाँ पर लोगों को खाने का बड़ा शौक है. सो नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, यू विल ऑलवेज फाइंड समथिंग टू ईट. लुक एट दीज वंडरफुल स्टॉल्स ऑल लाइंड अप. पर ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, कई जगहों पर है, स्पेशली इन सुरेंद्रनगर.
खाने के ऑप्शंस तो यहाँ बड़े सारे हैं, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ होलसम मील, आई एम टेकिंग यू टू अ रियली स्पेशल प्लेस जिसका नाम है महालक्ष्मी परोठा हाउस। यहाँ के पराठे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, बीड, अहमदाबाद और मुंबई। और बहुत ही स्पेशल तरीका है इनका पराठे बनाने का, विच इज़ एक्चुअली लाइक अ पूरी। कन्फ्यूज्ड? कम, लेट्स चेक इट आउट। महालक्ष्मी स्पेशल पराठा हाउस 45 इयर्स ओल्ड है, जहां आप होलसम मील एंजॉय कर सकते हो। और यहां की स्पेशलिटी है इनके पराठे। इनके कस्टमर्स वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद सब जगह से आते हैं टू रिलिश दिस फूड। तो ये परोठा है जिसके साथ अलग अलग तरह की सब्जियां आती है। दिस इज आलू की सब्जी, सेव टमाटर और बेसन गट्टा। और उसके साथ में आता है एक ट्राइंगल शेप्ड परोठा, व्हिच इज fried, and I'm a bit confused whether it's a puri or a parotha. Pair it up with green chili that are fried, papad and a glass of chaas. और अब इस परोठा slash puri को हम खाएंगे इन सब्जियों के साथ। Well, to be honest, everything is a little spicy, which is a bit of a rarity in Gujarat. मैंने सुना था गुजरात में सबको मीठा पसंद है, but parotha house में यहाँ मीठा किसी को नहीं पसंद है, सब कुछ ही तीखा है। लेट मी ऑल्सो टेल यू समथिंग अबाउट द प्राइसिंग। दिस परोठा विच इज डीपली फ्राइड कम्स एट अ प्राइस ऑफ ओनली एंड ओनली 10 rupees। इवन द पापड इज फॉर 10 rupees, द चास फॉर 20 bucks, एंड ऑल ऑफ दिस सब्जीज आर फॉर 50 rupees। वेरी वेरी वेल प्राइस एंड अफोर्डेबल। बोलते हैं बर्दवान शहर अपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर के अलावा यहाँ भी एक हवा महल है? किंग दाजीराजी बाबू वांटेड टू मेक अ हवा महल एंड लेक पैलेस राइट हियर इन द सिटी ऑफ वडवां, बट ड्यू टू हिज अनटाइमली डिमाइस उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। सून आफ्टर द रूलर देन जोरावर सिंह आल्सो ट्राइड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उनका भी देहांत हो गया। And since then this project has remained unfinished, but despite those unfortunate incidents this palace still remains to be an iconic spot for the city. मैं यहाँ के इंटीग्रेटेड डिजाइन और आर्किटेक्चर देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगर ये महल पूरा बना होता तो इंडिया की सबसे सुंदर जगहों में से एक होता। ऑल्सो दिस हवा महल ओवरलुक्स अ ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल लेक, जिसे बहुत ही शौक से बनाया गया था। आज भी हवा महल में काफी टूरिस्ट और लोकल आते हैं टू विटनेस दिस अनफिनिश्ड पैलेस। Well, अब तक तो मैं सोचती थी गुजरात इज ओनली फेमस फॉर इट्स जलेबी, ढोकला एंड फाफड़ा, बट द ब्यूटी ऑफ गुजरात हैज ट्रूली सरप्राइज्ड मी। आई होप मेरा वीडियो देखने के बाद आप भी बहुत ही जल्द अपना ट्रिप प्लान करें टू दिस कल्चर हब ऑफ गुजरात, सुरेंद्र नगर। अंटिल देन, इट्स मी काम्या जानी फ्रॉम कर्ली टेल्स साइनिंग ऑफ। बाय।